वालेकुम, माई नेम इज़ राशिदा आज़म एंड वेलकम टू रिव्यूज़ बाई राशिदा। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, रात के 12 बज गए हैं, 1-2 मिनट रहता है अभी। तो मैं आज सो गई थी जल्दी, आज मैं जल्दी सो गई थी। वैसे तो रूटीन में हम लेट सोते हैं, आज ज़रा ठंड लग रही थी, तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट थी, तो मैं खाना भी नहीं मैंने अच्छे से खाया, तो मैं सो गई थी जल्दी। अभी मेरी आंख खुल गई है 12 बजे, और मैंने देखा कि अभी तक मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, और मुझे हल्की फुल्की सी भूख भी लग रही है। तो देखते हैं कि क्या है फ्रिज में। चलिए मैं बस देखते हैं क्या है खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का फ्रीज़र में। बच्चे भी सो गए हैं, शायद बच्चे भी सो रहे हैं, देख लूं। सो गए हैं बच्चे भी। इधर की तो लाइट ऑफ है, लाइट ऑन करती हूँ मैं, अंधेरा हो रहा है काफ़ी यहाँ पे जी। तो देखती हूँ कि क्या है गाने में। अच्छा जी, एप्पल है, ब्रेड पड़ी हुई है, नहीं इनको देखो जरा थोड़ा सा कुछ चेंज हो। यहाँ पे फ्रीज़र में देखती हूँ तो क्या है जी। वो नीचे डिब्बे में साग पड़ा हुआ है, मेरी आपी ने भेजा था, कुछ खा लिया, कुछ ऐसे ही फ्रीज पड़ा है, अब किसी दिन निकाल लूँगी। और ये शायद कीमा है, यहाँ पे क्या है जी। अच्छा जी, अच्छा ये नगर्स हैं, हैवी हो जाएंगे, अब नहीं खाना, ये नहीं खाने को दिल कर रहा मेरा। तो ये हो गया पेस्ट, मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ अदरक और लहसुन का। चलें जी, ये मैं बना के खाती हूँ। चलें जी, अब ये स्वीट कॉर्न मैं ट्राई करती हूँ। किचन की लाइट ऑफ है, अब किचन की लाइट ऑन कर लेती हूँ जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रैब से मैं मछलियाँ मंगवा लेती हूँ, जब मैं अपने ग्रोसरी का सारा सामान मंगवाती हूँ, तो ये लाजमी हर तकरीबन 15 दिन के बाद मैं 15 दिन की गुठी ग्रोसरी मंगवाती हूँ, तो 15 दिन के बाद ये भी 2 किलो मछलियाँ भी आ जाती हैं। तो उनके मैं दाने बना के उनको तकरीबन कुकर में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो फिर उनको निकाल के ऐसे कंटेनर में भर के रख लेती हूँ, और जब दिल किया तो निकाले, थोड़े से बना के खा लिए। अब आपके सामने मैं इसको बनाऊंगी। ये थोड़े से जमे हुए हैं, ये किसी और चीज़ के साथ निकलेंगे। मैं देखती हूँ मुझे काम यहाँ से क्या मिलता है जी। ये छुरी मिली है मुझे यहाँ से, इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हाथ से मैं करूँगी तो आराम से, ये देखेंगे आप कि ये आराम से निकल आते हैं। ये देखें, थोड़े से मुझे चाहिए, मैंने ये थोड़े से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ही हैं, जितनी मुझे भूख है उस हिसाब से मैं थोड़े से बना निकाल लेती हूँ। चलिए जितने ही काफ़ी हैं। अब मैं अपना यहाँ से फ्राई पैन ले लूँगी, फ्राई पैन ले लिया मैंने, जो निकले थे यहाँ से इतनी सी, थोड़े से और लेती हूँ। ये बहुत इजी, इनमें बर्फ़ तो जमी हुई है, लेकिन ये छुरी की मदद से थोड़ा सा मैंने इनको टच किया तो ये निकल आए हैं, ये देखें आराम से निकल आए हैं। चलिए जी, इतने ही काफ़ी हैं, इतने ही काफ़ी हैं, इनको मैं बंद कर देती हूँ, बंद करके वापस फ्रीज़र में रखूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा देखते पानी इसके ऊपर रख दिया, आप देख सकते हैं काउंट कर ले टाइम कि कितना टाइम इसको लगेगा। सिर्फ 1 मिनट लगेगा तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा, क्योंकि ये पानी गर्म होना है और उन्होंने भी साथ ही गर्म हो जाना है। ये गर्म हो जाए जब, तो इनको मैं एक प्लास्टिक का ग्लास है उसी में मैं डाल के हमेशा करती हूँ। मेरे हस्बैंड, बच्चे सारे पसंद करते हैं ये,
अच्छे लगते हैं। बाजार वाले जो होते हैं वो नहीं, मैं लेके आती डब्बा, बाजार वाले नहीं रिकमेंड करूंगी। बाजार वाले मैं नहीं लेके आती डिब्बा, एक तो वो महंगे पड़ते हैं, दूसरा पता नहीं वो कब की उन्होंने निकाले, कैसे निकाले, कैसे वो फ्रीज किए, और मेन बात ये कि वो महंगे पड़ते हैं। इतने सा डिब्बा वो तकरीबन 150 से ऊपर है, जितने दाने मैं अब गर्म कर रही हूँ ना, जितने स्वीट कॉर्न मैं अब गर्म कर रही हूँ, इस इतने तो वो तकरीबन 150 में आता है एक डिब्बा। तो ये सबसे इजी है काम, आप आराम से आप ही लोग ऐसा ट्राई करके ज़रूर देखना, बेस्ट रहेगा ये। मैं ऐसे ही मंगवाती हूँ और दाने बना के इनके कुकर में बॉईल कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गर्म भी हो गया है पानी, इसको एक बार हिला लूँगी। चलिए जी, ये बस इतना सा ही इसको टाइम लगना था, ये गर्म हो गए हैं बिल्कुल। अब मैं इनको इनका पानी छान के इसमें चाट मसाला और नींबू का थोड़ा सा रस ऐड करूँगी और इन्जॉय करूँगी। चलिए जी, मैं अब इसको छान लूँ। प्लास्टिक की टोकरी रख ली थी मैंने, इसमें अब इसको छान लिया, निकाल लिया मैंने। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम थी चिल्ली, उसके दाने बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ये बिल्कुल पहले जैसे, पहले दिन वाले जैसे बन गए हैं। इसको मैं अब किसी ग्लास में निकालूंगी। ये है मेरे पास आ गया, इसमें मैं ये डाल देती हूँ, चमचे की मदद से इसको डालूंगी। चाट मसाला ले लेती हूँ, बस इतना सा ही। ये मैं इसको बंद कर दूंगी। और यहाँ से मुझे चाहिए अब फोक चाहिए, और साथ इसके ये डिब्बा भी मैं उठा के ले जाती हूँ बाहर। इसको रखूँगी वापस फ्रीज़र में और फोक ले लेती हूँ एक साथ। ये मैंने, ये मुझे चाहिए था, मिल गया आसानी से। अब मैं इसको रखती हूँ वापस, ये आ गया वहीं पे। इसमें हल्का सा मुझे चाहिए अब नींबू का रस, ये भी मैं नींबू का रस है ये भी मंगवाती हूँ। मैं नींबू मंगवा देती हूँ और उनका भी रस एक बच्चों को दे देती हूँ। ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं बच्चे बड़े खुश होके बड़े आराम से कर लेते हैं, ऐसे खेल खेल में ही वो नींबू काट के उनका रस निकाल लेते हैं प्याले में और फिर इधर इसमें बोतल में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मैं बस इतना सा नींबू का रस डालूंगी, बस मुझे इतना ही चाहिए। इसको मैं रखूंगी अब वापस जी, इसको मिक्स कर लेते हैं, इससे तो होगा नहीं, एक हाथ है। इसको पकड़ के ज़रा ऐसे ऐसे करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से जी। ये देखें, बड़े अच्छे से मिक्स हो गया। मैं रूम में जाती हूँ, जाके कम्बल में बैठ के आराम से मज़े से इसको एंजॉय करती हूँ। ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।